हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज खाली करना है ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन करना है। ठीक है, फ़ोन की गैलरी को ओपन कीजिए। फ़ोन की गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है ना, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो जो है आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है। ठीक है, खास करके आपको वीडियोज डिलीट करनी है। ठीक है ना, क्योंकि वीडियोस जो है सबसे ज्यादा स्टोरेज कवर करती है फोन का। ठीक है, इससे आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस करना ही है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है ना, इन सभी ऐप्स को रीसेट करना है, यानी कि इन सभी ऐप्स का डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप अपने मोबाइल फोन के ना किसी भी ऐप को अगर उंगली से आप दबा के रखेंगे तो आपका ना एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, इसमें आपको एक कोने में सर्कल के अंदर जो आई बटन दिखाई दे रहा है, इसे आपको टैप कर देना है, तो आपका ये वाला ऐप इन्फो का पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज का, स्टोरेज पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो क्लियर डेटा का, दूसरा है क्लियर कैच का। आपको इसे पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, इसके बाद आपको इसे क्लियर डेटा पे टैप करना है। तो आपका एक पियाला पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप कर देना है, तो आपका ये जो डेटा और ये जो कैच है, इन दोनों के सामने वाला डेटा ही आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है, जिससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स है ना, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप्स को अपने फोन से हटा देना है, यानी कि अनइंस्टॉल कर देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए कभी भी आप अपने फोन में किसी भी ऐप को जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो जो ऐप होता है इंस्टॉल होने के बाद आपके फोन का स्टोरेज कवर करता है। तो इसलिए अगर आप फालतू के ऐप्स को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देंगे, तो इससे आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रोसेस आपको यह करना है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होंगे जिनके अंदर आपको ना बैकअप की सेटिंग मिलेगी। ठीक है, तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप की सेटिंग मिल जाती है, उन सभी ऐप्स में से आपको बैकअप सेटिंग को बंद करना है। आपको समझाने के लिए यहां पर मैं एग्जाम्पल के लिए अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूं। फोन की गैलरी में देखिए सबसे ऊपर ना ये राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है, ये वाला पेज आएगा। इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को पहले से बंद कर रखा है। तो अगर आपकी ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है ना, तो आपको यहाँ पे ना नीचे की साइड ये ऑफ का बटन होगा ऑन की जगह पे। ठीक है, तो इसे आपको टैप करके इसे ऑफ कर देना है बैकअप सेटिंग को। इसी तरीके से आपको और भी जिस जिस ऐप में बैकअप सेटिंग मिल जाती है, उन सभी में से आपको बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपके ऐप्स की बैकअप सेटिंग के बाद। अब आपको अपने मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग को बंद करना है। इसके लिए आपको है ना मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको ना नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट एंड बैकअप का, इसे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये बैकअप डेटा, रीस्टोर डेटा, ये सभी डेटा और रीस्टोर डेटा सेटिंग आपको बंद करके रखनी है, अगर ये आपकी चालू रहती है तो। ठीक है ना, देखिए मैं ऐप्स की और मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग को इसलिए बंद करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये बैकअप सेटिंग ऐप्स की और मोबाइल फोन की अगर चालू रहेगी ना, तो इससे आपके फोन का जो स्टोरेज होगा ना, वो जल्दी बार बार फुल होता जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये बैकअप सेटिंग जो है ना बंद रखनी है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज खाली रहेगा। अब आपको सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है, यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है, आपको नीचे रीसेट का ही ऑप्शन शो होगा, रीसेट पर टैप करना है, आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे, तो इससे आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। ठीक है,